Hi everyone. So this is going to be the discussion of CA final IDT MCQs part December 21 exam का. Exam was held on 19 December. मुझे जितना याद है मैंने उन questions को note down किया है. आप tally कर सकते हो अपने exams को. So start करते हैं. पहला question था transfer of business था, पर इस केस में GST department ने demand raise करी थी. इस डिमांड के लिए लाइबिलिटी पूछी गई थी, किसकी है, ट्रांसफरर की या ट्रांसफरी की. सो इसका आंसर जो बनता है बोथ जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल है. इसमें आता है सेक्शन 88, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी हुई है. सेकंड क्वेश्चन जो है वो अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. सीधा था, इसमें कोई सिंपल क्वेश्चन था. ये इसमें अमाउंट ऑफ आईटीसी जो था बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर, जितना भी आईटीसी अवेलेबल था वो ट्रांसफ़र करना था, और अराउंड 86,000 सीजीएसटी और 86,000 एसजीएसटी में था. तो इजी क्वेश्चन था ये भी. ये जो पहले तीन क्वेश्चन हैं ये तीनों क्वेश्चन केस सिनारियो के थे. तो और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा है टैक्स लाइबिलिटी आउटवर्ड की फॉर द सप्लाइज ड्यूरिंग द मंथ टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. ये भी सिंपल ही था. तो इसमें ईच में आंसर करना था. इसमें भी ऐसे ही था. तो उसकी कुछ एसजीएसटी और सीजीएसटी की लाइबिलिटी अराइज हो रही थी, वो यहाँ पर लिखनी थी. पहली ये जो तीनों क्वेश्चन थे टू मार्क्स के थे, ईजी क्वेश्चन थे. पेनल्टी फॉर फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था. पेनल्टी फॉर जीएसटी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न बाय 30 डेज. तो इसमें जो होता है, इसमें फाइनल रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं. जीएसटीआर जो होती है एनुअल रिटर्न के बाद की 10 हो जाती है. इसमें 100 रुपये की लाइबिलिटी होती है, 30 दिन है तो 3,000 हो जाएगा, 3,000 की इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी. शायद एक नंबर का रहा होगा ये क्वेश्चन, छोटा है. फिफ्थ क्वेश्चन जो है कंसाइनमेंट वैल्यू निकालनी थी फॉर द पर्पज ऑफ ई वे बिल के लिए कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर इनवॉइस हैविंग. अब इसमें ना एक ही इनवॉइस था लेकिन टैक्सेबल गुड्स भी थे और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी थे. तो कंसाइनमेंट वैल्यू जो होती है, तो इसमें रूल हमारे पास 138(1) जो होता है इसमें बात करता है, वो बताता है कि एग्जेम्प्ट को मारो गोली और टैक्सेबल में प्लस करो टैक्स. तो 40,000 प्लस टैक्स कुछ 47,200 शायद इसका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी. इसमें नॉट सब्स्यूम्ड में चार ऑप्शंस थे, तो मैंने तो इसका आंसर करा था प्रोफेशनल टैक्स बाय लोकल बॉडीज, ऐसी कुछ करके था. प्रोफेशनल टैक्स बाय लोकल बॉडीज सिक्स्थ हो गया. तो टोटल 20 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन हो गए. सेवन्थ है इसमें ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स जो आते हैं वो फ्रॉड में आ जाता है, मतलब सेक्शन 74 आ जाता है इसके लिए. एस सी एन वर इशूड बाय द डिपार्टमेंट टैक्सेबल पर्सन मेड द पेमेंट. तो 1,00,000 का एस सी एन, 1,00,000 की डिमांड अराइज हुई थी. तो सेक्शन 74 में पेनल्टी के बारे में बात करी थी, 30 दिन के अंदर पेमेंट हो गई थी. तो सेक्शन 74 में सबसेक्शन 10 या 11 ऐसी कुछ होगा, उसमें दिए हुए 25% ऑफ टैक्स. तो ये 1,00,000 है तो इसका 25,000 हो जाएगा, इतनी उसको पेनल्टी देनी थी. नेक्स्ट में आ जाते हैं 8th, ई कॉमर्स फेल टू डिडक्ट TDS 9,000. इसके लिए जो मेरे को जनरल जो पेनल्टी का सेक्शन था ई कॉमर्स के लिए फेल होने के लिए 122(1) जो दिया हुआ है, उसमें पेनल्टी दी हुई है टैक्स नॉट डिडक्टेड और 10,000 विच एवर इज हायर. तो 9,000 नहीं डिडक्ट किया तो 10,000 इसका आंसर हो जाएगा हायर वाला. अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, आफ्टर डिले ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ रिफंड. सिंपल आंसर था 60 डेज. इसमें रिफंड के लिए वो ये सेक्शन 54 में ही दिया होगा, तो ये तो ईजी था. अब आता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ एस सी एन इन केस ऑफ अदर देन फ्रॉड. तो अदर देन फ्रॉड होता है जब, तो उस केस में सेक्शन नंबर हमारा
ये 74 था फ्रॉड वाला, 73 हो जाएगा अदर देन फ्रॉड. इसमें 2 ईयर 9 मंथ, बेसिकली 3 साल जो होता है, 3 ईयर मंथ लिख रहा हूँ, 3 ईयर जो होता है उसे 3 महीना पहले होता है, तो 2 ईयर 9 मंथ्स हो जाएगा. सो अभी ये अब 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के बाद 10 और हैं, टोटल 20. तो 11th क्वेश्चन जो है ये ऐसे होता है स्टार्ट. इसमें 10 लाख डीएससी डिमांड डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज करी गई, 10 लाख टैक्स, 2 लाख इंटरेस्ट पेनल्टी 10 लाख की. तो 3 लाख का एडमिट कर लिया उसने टैक्स, इंटरेस्ट एडमिट कर लिया 20,000 का. सेक्शन 107 आता है विच सिंपली सेज कि प्री डिपॉजिट, अपील में जाना चाहता है एसएससी, तो प्री डिपॉजिट कितने का होना चाहिए? तो प्री डिपॉजिट होना चाहिए अमाउंट एडमिटेड 3 लाख और 20,000 प्लस डिफरेंस का 10%, तो 7 लाख का 10% 70,000. तो आंसर इसका कुछ आ जाएगा 3,90,000 के अराउंड, ये बन जाएगा. आईईसी कौन इशू करता है? सिंपल आंसर डीजीएफटी, एक नंबर का रहा होगा, छोटा आंसर क्वेश्चन है. मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% होता है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती है जो. मुझे इतना ही, मैं तो को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी था, शायद 25% भी हो सकता, मैंने जो लगाया 15% में लगा के आया हूँ. वैलिडिटी ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन अंडर द ईपीसीजी स्कीम, इसी था वो इम्पोर्ट्स का जो था 18 मंथ्स का. ये क्वेश्चन एफटीपी का हो गया, ये भी एफटी का हो गया, एफटीपी का हो गया. एफटीपी के एक एक नंबर के क्वेश्चन डाले हुए हैं. वट वुड बी द ने 15th, वट वुड द नेचर ऑफ सप्लाई, सीधा एक एडवांस आया हमको, और एडवांस के केस में हमको कुछ पता नहीं है, तो सीधा इसमें इंटर स्टेट मानते हैं और टैक्स 18%, यही आंसर देना था. ये इसका सही आंसर बताया, तो 15 हो गए, 5 और रह गए. डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट मैंडेटरी, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, इम्पोर्ट के लिए पूछा था, तो शिपिंग बिल मुझे लगा इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि शिपिंग बिल जो होता है वो फाइल एक्सपोर्ट के लिए होता है. बाकी देख लेना. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई, ये 200 नॉटिकल माइल है इसका आंसर. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक टेरिटोरियल वाटर्स होता है 12 नॉटिकल माइल्स, उसके अलावा होता है 188, और एक्सटेंड कर दो तो 200 मिल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है. 18th, 19, 20, ये जो 3 क्वेश्चन है ये दूसरा केस सिनारियो आया था, ये थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था. इसमें ये बेसिकली जो था प्लेस ऑफ सप्लाई को टेस्ट कर रहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे ये है, इसमें ये पहले तो इसमें विद इन द कंट्री की जो सप्लाई, इसमें सेक्शन लग जाता है 12 12 लग जाता है. तो 12 में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज था, अगर वही एक स्टेट दूसरा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, तो इसका था कि अगर वहीं रजिस्ट्रेशन ले लो तो सीजीएसडी में भरना था टैक्स. सेकंड ये था, इसमें ये सर्विसेज उसमें कि इनवर्ट सप्लाई रही है, 3 टाइप की सर्विसेज थी, टोटल आईटीसी अवेलेबल बताना था. और लास्ट क्वेश्चन था केस सिनारियो, ये 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं केस सिनारियो वाले, 2 का ये, 2 का 2 मार्क्स का, और ये भी 2 मार्क्स का. लास्ट वन इज व्हाट वुड बी द आउटपुट टैक्स पेबल बाय द पर्सन, वो इधर डिफरेंट स्टेट में ना, इसमें खाली आईजीएसटी था कुछ 2,70,000 के आसपास आंसर. तो ये थे 20 क्वेश्चंस, इसमें जो मेरे को लगा सही हो सकते हैं मैंने वो लिखा दिए, और आप टैली कर लेना, कुछ गलत लगे तो मेरे को बता देना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.